ये है हिमांशु का बैग, इधर भी एक बैग रेडी होकर रखा हुआ है, और ये मेरा बैग रेडी होकर रखा हुआ है, पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ और सामान रखना है। इधर रेनकोट है, इधर मुस्कान रेडी हो चुकी है, मुस्कान का बैग है, इधर घुंटू है, सागर भैया उधर थोड़ा बहुत कुछ सामान रख रहे हैं। अरे आइए भैया, अरे आइए, ये गुन्नू गाड़ी गाड़ी रोक के रखे हैं, गुन्नू परेशान हो रही है। आजा मुस्कान, फटाफट सब आ गए, खाली आप ही का वेट हो रहा है। सब आ गए ना? हाँ सब। कितने हैं? ये क्या एक है? दो तीन चार ये, पांच पता छह है इसमें प्रूफ ये है क्या? आठ इतने आठ लोग लोगों वाले निकले लिफ्ट हैं, इतने लोग घर से निकले हैं अपन। वापस कितने? अरे अरे कहाँ गया? अच्छा अच्छा तो अभी के लिए आ चुके हैं बाहर, और तीन गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी ये है और एक ये पल्सर है और एक ये FZ है। तीन गाड़ियां हैं जो कि अभी लेके जा रहे हैं, और बाकी छह लोग आ गए हैं। एक हम हैं, एक सागर भैया हैं, एक भाभी हैं, एक हिमांशु है, एक ये गुंडू है और एक मुस्कान। तो अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या कहाँ सेट करना है, सारे सामान प्रॉपर सेट करना है, और फिर निकलते हैं सीधे, मिलते हैं आपको रास्ते। गाइस अभी रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और हमने अपनी स्कूटी में डलवा लिया। इधर सागर भैया ने, आपने भी डर हो गया, आपका डन हो गया? इधर हिमांशु अपने बाइक में डलवा रहा है। तो गाइस इधर हो गई है प्रॉब्लम, एक बैड न्यूज़ है कि पल्सर जो सागर भैया की बाइक थी वो थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो एक्चुअली चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है, आई डोंट नो क्यों। तो अभी उसी को दिखवाने के लिए आए हुए हैं मैकेनिक के पास। रास्ते में हम लोग लगभग 8-10 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इत्तेफाक से मैकेनिक भी मिल गया है। तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें होती है, अगर बन जाती है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। कूलेंट का प्रॉब्लम तो यहाँ इंडिकेशन पे दिखता है ना, इंडिकेशन पे कोई प्रॉब्लम ये है कि वो ये मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि रिसेट नहीं हुआ है, रिसेट नहीं हुआ है। ओके कूलेंट तो है, प्रॉपर कहीं सेंसर की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, सेंसर क्या रिले उले की ना, सेंसर का प्रॉब्लम लग रहा है। सेंसर का ही प्रॉब्लम लग रहा है, प्लग वगैरह तो मुझे नहीं, आई डोंट नो मे बी। अभी स्टार्ट हो रही है ना, अभी स्टार्ट हो रही है ना प्रॉपर, तो आप एक काम करिए पैक करिए गाड़ी थोड़ी। क्या क्या मंगा रही हैं? ढोकला, समोसा, कचौड़ी, चाय पीनी है, जलेबी भी। जलेबी तो बस इतनी इनफ है। और अगर पता भैया, अगर किसी को भूख नहीं है तो ये भी खा सकते हैं। क्या सेंटर फ्रेश? किसी को भूख नहीं है तो वो सिर्फ ये खाने काम करेगा, जिंदगी जी सकते हैं आप। नहीं सब टेस्ट किया, समोसा भी टेस्ट किया। अच्छे हैं जलेबी, अच्छी है। तो गाइस निकल तो गए हैं, लेकिन रास्ते इतने खराब हैं कि क्या बताऊँ। अभी 1 घंटे हो गए, जिसमें से थोड़ा सा गाड़ी हल्की सी प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाश्ता करे, उसके बाद भी मतलब ये पोजीशन है कि अभी कुछ 8-10 किलोमीटर ही हम लोगों को क्रॉस कर पाए टोटल, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा खराब हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं कि स्कूटी बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, बहुत आराम से लेकर चलना पड़ रहा है। गाइस प्लान में कुछ चेंजेस हो गए हैं, गाड़ी ख़राब होने की वजह से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, दैट्स व्हाई फिर उसको हम लोगों ने प्लान चेंज किया, अब बाइक से ना जाके अब कार से जाएंगे। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे, ये कोई गार्डन टाइप का है, तो यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं, फिर वापस क्या नाम सिलवासा, फिर वहाँ से कार से लेके और कार से निकलेंगे। गाइस तो अभी के लिए आ चुकी है कार अपनी, और हम लोगों ने ऑलरेडी बैग को इसमें रख दिया है, जैसे कि इधर साइड भी बैग हो चुके हैं, उधर साइड भी अपने बैग हो चुके हैं, बाकी सारे लोग खड़े हैं इधर साइड। और सागर भैया को थोड़ा सा मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो गए मेडिसिन लेने के लिए, वो आ जाते हैं, फिर सब बैठते हैं और फिर राइड मतलब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और अब जहाँ तक है थोड़ा बेस्ट होगा, क्योंकि रास्ते में बारिश भी हो रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही थी, अब आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में।
गाइज अभी ये रुके हुए हैं हम लोग एक वाटरफॉल के पास। रास्ते में कई सारे वाटरफॉल दिखे जहाँ पर हम लोगों ने नहीं रुका, फाइनली बर्दाश्त से बाहर हो चुका था तो एक जगह रुक गया। वाटरफॉल थोड़ा सा नीचे है तो जा रहे हैं रोड के नीचे और दिखाते हैं आपको नज़ारे। तुम ही हो हाँ हा ना, ये तो हा ही मारेगा पता कहीं रा हा ऐसे गाने हैं वो वाला नहीं हमको हमी से चुरा लो। अरे वो सागर गाने बर्बाद मत करो, आप तीनों डिसाइड करके एक गाना गाओ। चार गाने ये तो हमारे ही हैं, हम गाएंगे अगली बार वैसे आया तो नहीं नहीं ये हाँ हमारे ही है, हमने एक इसने गाया एक मैंने गाया, हमारा ही गाना वैसे आया तो हम ही गाएंगे। कोई नहीं आपको एक गाना गाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा? हमको हमी से चुराएंगे तुरालो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे, हो न जाए गले से लगा ले, ला से ला साओ गले से लगा ले, लो 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 ला से लो 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 ला से लो। कटाई हो जाएगी अभी, सब मारेंगे अपन को। पूछ रहे हैं कि तुम किसकी टीम में हो, हमने कहा तुम्हारी। मैं पूछ रहा हूँ आप उनकी टीम में हो या हमारी टीम में हो, किसकी टीम में हो? तुम्हारी। ये उंगली जा रही है, ये भी सही है। बोलते रहो सब हंसता हुआ जो जाएगा। सो गाइस तो अभी रुके हुए हैं एक जगह पर नाश्ता करने के लिए और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं कितना शानदार। सिंगल एक छोटा सा पहाड़ है और मौसम देखिए एकदम काले घने हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इधर साइड कोई टोल है तो टोल के पास रुके हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा ढाबा टाइप का है तो अभी यहाँ पर देखते हैं कुछ चाय वो मिलती है तो पीते हैं। मौसम लेकिन कतई शानदार वाले हो रहे हैं और इसके ऊपर एक मंदिर है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक मंदिर है, ये देखिए ऊपर एक मंदिर है। यहाँ से कितना दूर लग रहा है, एकदम बहुत अमेजिंग लग रहा है यार, मतलब मस्त सा लग रहा है। और बारिश फिर तेज आओ पी है, मैं चलता हूँ अंदर अदरवाइज फिक जाऊँगा।
मुँह में पानी आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है, देखे निकालो ले लो ना, खा ले सकते, खा लो ना, खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। तुमने बोल दिया भैया डिस्टर्ब हो गया, वो निकाल के देंगे भैया, ये वाला एक निकाल, ये वाला एक निकाल के दे दो ना, ले लो ना भैया, ये दे दो, नहीं वो काट के, काट के दीजिए, काट के दे दो जल्दी से, काट के नहीं जा रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, पता चले खड़ा भी ऐसी है भाई, खाने की तरफ से ज्यादा हो तो अब क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते, ये मारा कट सर, ये मारा कट सट 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 सट, पिज्जा ये खोलो, बढ़िया मस्त चटनी डालते हैं और मैं भी खाता हूँ, तुम भी खाओ, वो उधर है, उधर मस्त हरी हरी चटनी डालते हैं, उठाओ उठाओ, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता भैया का दिमाग, माथा ना खराब करना, ये कैसे बना रहे हो, अब यहाँ मत आके, अब डालिए डालिए, अरे ठीक है चटनी खाइए भैया, भैया भैया बढ़िया है, तो अभी जो इसके पहले ये यहाँ पे जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा था वो पूरा बादलों से ढक चुका है, पूरा गायब हो चुका है, थोड़ा सा इधर साइड से यहाँ से दिख रहा है और थोड़ा सा इधर से दिख रहा है, बाकी ऊपर का जो पूरा टॉप है, ऊपर का जो है वो पूरा तरह से, हाँ और वो भाई साहब अब ये धीमे धीमे खुल रहा है, मुझे खोना है, खोना है, चले बिल्कुल भाई, मैं होता कसम से अभी इस पहाड़ के ऊपर मैं चला जाता, मस्त एकदम, ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन, गुस्सा है, अच्छा लगा ले, खुल गया चाहता। तो गाइज ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अब इस व्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, इसके बाद दूसरा व्लॉग यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो परेशान मत होइएगा, इस ट्रिप पर बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे करने वाले हैं हम लोग, तो पूरा व्लॉग जरूर देखकर जाइएगा, तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।